जिले के कृष्णागंज में साधु की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से गणेश मंदिर के साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि सिरोही सदर पुलिस ने मृतक मंडक महंत सेलमगिरी के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और साथ ही साथ एएसपी व डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आरोपी इसरा गांव निवासी सोपाराम भील बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे साथ सिरोही से संवाददाता डूंगराम पुरोहित। डूंगराम, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी आपको बता दो सर, ये रात को करीबन 10 बजे का मामला है। सिरोही जिले के इसरा गांव से जो अपने कृष्णगंज रोड है वहाँ पे गणेश मंदिर स्थित है, वहाँ पे सेलमगिरी महाराज के साधु रहते थे जी। और दोनों बदमाश जो है कोई साधु के हाथ में कड़ा उसकी चुराने की नियत से आए थे। चुराने के चक्कर में उन हाथापाई हो गई और साधु के ऊपर जो धारदार हथियार थे उनसे हमला करके उसको लहूलुहान कर दिया। ये रास्ते में आपको बता दूं कि घटना की सूचना सुनते ही आसपास के जो लोग है और हल्ला सुन करके आसपास के लोग थे जो वहाँ मौके पर आए और एक हमलावर था जो वो भी थोड़ी बहुत घायल अवस्था में था, उसको भी दबोचा। दूसरा वहाँ से बाइक लेकर के जंगलों के रास्ते से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रात को देर रात करीबन 11-12 बजे के बाद में सदर थाना अधिकारी हंसाराम सिरवी मौके पर पहुंचे और पुलिस की टीम गठित करके उसके नेतृत्व में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने दूसरे आरोपी जो थे बैराराम उसको भी दर्द बोचा। तो फिलहाल जो आरोपी बताया जा रहा है, क्या उसके साथ और भी कोई लोग थे, वो किससे आए थे और क्या सीसीटीवी में और भी कुछ सामने आ पाया है? जी ऐसा आपको बता दूं कि वहाँ पे सीसीटीवी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोगों ने एक को तो मौके पर ही दर्द बोचा था, लेकिन दूसरा जो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए देर रात को जंगलों से दूसरे को भी दस्तयाब कर दिया। और फिलहाल आपको बता दूं कि जो साधु महात्मा उसकी जो डेथ बॉडी है वो अभी फिलहाल जिला अस्पताल सिरोही की मोर्चरी में रखवा दी गई है। और जो तमाम जो पुजारी आप बता रहे हैं, महंत बता रहे हैं, क्या उनके परिवारजनों से कुछ बातचीत हो पाई? पुलिस क्या कुछ कह रही है पूरे मामले को लेकर? जी ऐसा आपको बता दूं कि अभी तक तो जो शव है मोर्चरी में पड़ा है, आस पास के साधु संत है वो भी वहाँ मौके पर पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात यह कि उनके साथ में क्या बातचीत होती है, उसके बाद में ही उनका दाह संस्कार किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डूंगराम, लगातार आप इस खबर पर हमें अपडेट देते रहिएगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको सिरोही जिले से बता रहे थे, जहां पर एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई और धारदार हथियार से गणेश मंदिर के साधु की ये निर्मम हत्या की गई है। फिलहाल अब पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और साथ साथ जो तमाम साधु संत और भी हैं वो पहुँचने वाले हैं और उसके बाद ही दाह संस्कार किया जाएगा जिनकी निर्मम हत्या की गई है।